नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन हरियाणा सामान्य ज्ञान में आज हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हम आपको बता दें, इससे पहले हम इस पे 4 क्लास ले चुके हैं जो कि हमारे वीडियो लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। हम आपको बता दें, ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव आदि में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? सफीराबाद, बलरामगढ़, बहावलगढ़, सरफाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरफाबाद। हम आपको बता दें, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर सरफाबाद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न तीन, बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, करनाल जिले के अमीन नामक गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? पंचवटी मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, आदित्य का मंदिर, शिव मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आदित्य का मंदिर। करनाल जिले के अमीन गांव में प्राचीन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1013 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में, 1016 ईस्वी में, 1017 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हम आपको बता दें, थानेसर आज के कुरुक्षेत्र में स्थित है। हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। थानेसर नामक नगर प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। थानेसर आज के कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? सुदास, विषम, भरत, अर्जुन। इसका सही आंसर है सुदास, भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? टोहाना, फतेहाबाद, शिवानी, हासी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फतेहाबाद। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले में फतेहाबाद नामक नगर बसाया था। अगला प्रश्न, सन 1810 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? मराठों के, अंग्रेजों के, मुगलों के, सतनामियों के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों के। हम आपको बता दें, 1810 में समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? रानिया, बहरामपुर, हासी का दुर्ग, टोहाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हासी का दुर्ग। हम आपको बता दें, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था तथा हरियाणा में इन्हें जहाद साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये वर्ष 1787 में सरदना, जो कि मेरठ में है, की शासिका बेगम समरू की सेना में भर्ती हुए और बेगम की पुत्री से विवाह भी किया। वर्ष 1793 में जॉर्ज थॉमस ने मराठा सिंधिया सूबेदार अप्पा खांडेराव हरी के अधीन नौकरी करने लगा। उसे मेवाड़ के प्रांत की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने एक सेना की स्थापना की तथा मेवाड़ के विद्रोही किसानों ने बलपूर्वक भूमि पर कर भी वसूल किया। जॉर्ज थॉमस ने अपनी सेना को वेतन देने के लिए बेगम समरू की जागीर, गुरुग्राम तथा बादशाहपुर के गांवों को लूटना पड़ा। उसने वर्ष 1794 में बहादुरगढ़ और झज्जर को भी लूटा। ये थे जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न, दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? समा, डेरंगो, सोहना, ब्लूजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोहना।
अरावली के पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि दिल्ली अलवर मार्ग पर है। अगला प्रश्न, गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटन स्थल है? ओसिस, डबचिक, सुल्तानपुर पक्षी विहार, राइट रोबिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुल्तानपुर पक्षी विहार। हम आपको बता दें ये सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है और यहीं एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है जो हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न, बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का भाग शामिल था? सूरसेन और अवंती, अशक ओच, कौशल और वणजी, कुरु और पंचाल। इसका सही आंसर है कुरु और पंचाल। बौद्ध काल में कुरु और पंचाल महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का भाग शामिल था। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? विग्रहराज दो, विग्रहराज छः, अरुणो राजा, पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणो राजा। अगला प्रश्न, राज का अंतिम प्रश्न, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेयों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1265, 1266, 1267, 1260। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेयों की शक्ति नष्ट करने का प्रयास किया था। हमारे इस सेशन में इतना ही, थैंक यू।